क्लैबिट्रोल दुनिया की एकमात्र ऐसी दवा जिसे जानवरों के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसे इंसानों के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगा और जानवरों के अंदर इस मेडिसिन को बैन कर दिया गया। बॉडी बिल्डिंग के अंदर इस मेडिसिन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इस वजह से इस मेडिसिन को सिक्स पैक एब्स निकालने वाली मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपका क्लियरली फैट को बर्न करती है और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। ज्यादा स्पीडली वेट लॉस करने के लिए या फिर ज्यादा स्पीडली सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए आप इस मेडिसिन की ज्यादा हाई डोज ना लें, क्योंकि अकेले अगर इंडिया की बात की जाए तो तकरीबन 1,000 से 5,000 लोग हर साल इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए दुनिया में इस मेडिसिन की बहुत से लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने इसके साइड इफेक्ट्स को झेला है वो लोग इनकी बुराई करते नहीं थकते। इसका सीधा सीधा रीजन ये है, क्लेन की जो डोज होती है 80% लोगों को इसकी सेफ डोज के बारे में नहीं पता, इसका साइकिल कितना होता है और कितने दिन के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस मेडिसिन को किसी भी डोज में अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये मेडिसिन इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और सबसे पहली चीज़, क्लैबिट्रोल जो टैबलेट्स होते हैं उनको एमजी के अंदर यूज नहीं किया जाता, उसको एमसीजी के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि 1 mg के अंदर 1000 mcg अवेलेबल होते हैं। मेडिसिन की जो डोज होती है वो होती है 20 mcg एक दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप मात्र 20 mcg एक दिन के अंदर इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, और अगर आप एक बार टैबलेट ले लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर 48 आवर्स यानी कि 2 दिन तक रहती है। इस मेडिसिन की जो सेफ डोज होती है आप 20 mcg से 50 mcg तक ले सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर जेंट्स की बात की जाए तो लगातार आप इसको 70 दिन तक यूज कर सकते हैं, और लेडीज़ की अगर बात की जाए तो आप इसको 60 दिन तक यूज कर सकते हैं। एक दूसरा जो सेफ रास्ता होता है इस मेडिसिन को यूज करने का, जिसका यूज डॉक्टर्स करते हैं, आप 3 दिन तक इस मेडिसिन का 20 से 50 mcg तक यूज कीजिए, और उसके 3 दिन बाद आप इसको पॉज कर दीजिए, और फिर आप इस मेडिसिन को ऐसे ही रिपीट करते रहिए, जिससे आपको इसका साइड इफेक्ट बहुत कम मात्रा में मिलता है। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।